उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच में आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर भेजा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है पिछले कई सालों से जब मैं केकेआर के लिए खेलता था और आज यहाँ पर मैंने आके आपको देखा, तो वो मोहब्बत आज मुझे बिल्कुल क्लोजली दिखाई देती है। जब खेलता था तब ग्राउंड के बीच में हुआ करता था, लेकिन आज आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहूंगा कि ये मोहब्बत हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका सभी का, और यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए सभी जो महानुभाव है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर आए और इस मजमे को आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैदान बिल्कुल अलग है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो सेम रहेगी। जो मेरी टीम की एक्सपेक्टेशन रहती थी जल्दी जल्दी रन बनाऊ मैच जिताऊ, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी लोगों की कि मैं उनके लिए जो आया हूँ मैं यहाँ पर काम करने के लिए, और जो मेरी टीम ने काम किए है उसको और आगे लेके जाना है। 2007 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था और ये जो पहला लोकसभा का चुनाव, कौन आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है? देखिए वो टीम मेरे दिल के करीब है और काफी एक्साइटेड हूँ मैं। ऐसे मेरे में है कि जब मैं पहला वर्ल्ड कप खेला था भारत के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान और हम लोग मैच जीते भी थे, और यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी मैं आया हूँ, तो एक अच्छी ओपनिंग के साथ मेरा मैच होगा तो उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ और इंशाल्लाह जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। तो पांच बार क्या दो बीजेपी का कैंडिडेट है, एक तो बीजेपी का है और दूसरा आपको बीजेपी का है क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, तो इसलिए बोलते हैं। गुजरात से मैं आया हूँ, मेरा जन्मभूमि है गुजरात में और ये मेरा कर्मभूमि है, यहाँ पे मैंने बहुत काम किया है और आगे भी मुझे और काम करना है। अरे इतना जो प्यार मिला ये आने के बाद, इतना भीड़ ग्राउंड में मिलता था वो गैलरी में लोग देखते थे, तो क्या लगा ये खेला हो गया? आपने शायद कहा भी अभी बिल्कुल खेला हो गया, बिल्कुल होगा। और देखिए मैं जब ग्राउंड में खेलता था तो 75-90 yards के बाद जो लोग होते थे उनकी फीलिंग पता चलती थी, एनर्जी पता चलती थी, उनकी जो मोहब्बत है वो थोड़ी दूर से 90 yards से पता चलती थी। लेकिन आज ये जो मौका मुझे दिया है ममता दीदी ने और अभी अभिषेक ने और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरी टीम के लोग, उन्होंने मुझे यहाँ करीब लोगों के बिल्कुल करीब लाया है, तो उनका ये प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, वो एनर्जी मुझे अच्छा फील करा रही है। यूसी जी ये 5 times ये एमपी है अदित चौधरी, अभी आप 6 छक्का मारेंगे? नहीं देखिए वो 5 times बिल्कुल एमपी रह चुके हैं और अब दौर बदलने वाला है, बहुत से बहुत बड़े युद्ध है, बहुत से चेंजेस आए और जो चेंजेस आते हैं अच्छे के लिए आते हैं और लोग मानते भी और पसंद भी करते हैं कि अच्छे के लिए चेंजेस बुरे जरूरी होते हैं।